हेलो दोस्तों, आशीष साउ टू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जा रहे हैं गंगा मैया झलमला। तो फाइनली दोस्तों वहाँ पहुँच गए गंगा मैया और अपन चलते हैं अब मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ से नारियल ले लेते हैं अपन। दोस्तों ये देख सकते हो, ये मेन गेट है और यहाँ से आने के बाद ये माता रानी का मंदिर है। और इधर का आप चारों तरफ का नज़ारा देख लिए और आपको नारियल वारियल इधर मिलेगा। सुंदर सुंदर से पूरा यहाँ पर बना है और यहाँ पर झरना का कुछ काम चल रहा है, फवारे वाला। और अपन चलते हैं अब सीधा माता रानी के दर्शन के लिए गंगा मैया। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। और ये सीधा दिख रहा है वो माता रानी का मंदिर है। यहाँ प्रसाद मिल रहा है तो अपन अब माता रानी का सुंदर सा मूर्ति और चलते हैं इधर। यहाँ पर प्रसाद मिलेगा। तो आगे आप लोगों को मंदिर का परिसर और आगे बता रहे हैं कि गुफा है करके। तो यहाँ कृष्ण लीला का सुंदर मूर्ति बना है और यहाँ से अपन चलते हैं गुफा की ओर। यहाँ पर लिखा है आप लोगों को कैलाश गुफा। यहाँ से अपन नीचे आएंगे, पहले यहाँ से अपन चलते हैं। और यहाँ देखना आप लोग, यहाँ जोत चलाए हुए हैं। देख सकते हो जोत जलाए हुए हैं और अपन अब ऊपर चढ़ते हैं। सुंदर सा परिसर है पूरा। चलो देख सकते हो खूबसूरत सा। अब हम इस गुफा में चढ़ने वाले हैं। नंदी महाराज और ऊपर में शंकर जी। और अब आगे यहाँ से चलते हैं। ये आर्टिफिशियल गुफा, यहाँ पर शंकर भगवान। और ये देखिए श्री सोमनाथ
सौराष्ट्र गुजरात का ये सुंदर सा बनाए हुए हैं। और आगे और चलते हैं और यहाँ पर लिखा है श्री मल्लिकार्जुन धाम श्रीशैल आंध्र प्रदेश। और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैनी मध्य प्रदेश। और यहाँ पर देखते हैं श्री ओंकालेश्वर धाम अमलेश्वर मध्य प्रदेश। और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है श्री वैद्यनाथ धाम देवधर झारखंड। और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है श्री भीमेश्वर धाम डंगनी महाराष्ट्र। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जोत जल है। और आगे चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप जोत जल है उसको, जोत जलने का संख्या भी बहुत है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये रायपुर से करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास है गंगा मैया बालोद। और ये बालोद ज़िले का फेमस मंदिर है। तो ऐसे ही घूमते हैं और इधर से अपन निकल जाते हैं। तो यहाँ से अपन उतरते हैं अब। और यहाँ लिखा है श्री सेतु बांध रामेश्वर धाम तमिलनाडु। और यहाँ पर लिखा है श्री नागेश्वर धाम द्वारका वन गुजरात। तो यहाँ पर सभी शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। श्री विश्वेश्वर धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश। और थोड़ा अंधेरा है। श्री तम्बेश्वर नाम गौतमी तट महाराष्ट्र। और ये श्री केदारनाथ हिमालय उत्तराखंड। तो और यहाँ और देखते हैं, ये है गुमेश्वर धाम शिवालय महाराष्ट्र। और अब ये हुआ लास्ट, अब अपन गुफा से निकलते हैं। वीडियो देखते रहिए। अब मंदिर परिसर से अब निकलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ देख सकते हो पूरा परिसर। तो धन्यवाद दोस्तों।